हम बात करें भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की, जिसमें पुणे पुलिस ने चार्जशीट में बड़ा इल्जाम लगाया है। ये चार्जशीट आपको बता दें 5 लोगों के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें पीएम मोदी की हत्या की साजिश की भी बात है। चार्जशीट में कहा गया है कि जिस तरह पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या की गई थी, ठीक वैसे ही पीएम मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही थी। इस मामले में सुरेंद्र गाडलिंग, शोमा सेन, महेश राउत, सुधीर उधावले और रोना विल्सन समेत 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। और आपको यहां पर बता दें, इनमें से 5 आरोपी फरार है। तो भीमा कोरेगांव केस में चार्जशीट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश का जो जिक्र है वो राजीव गांधी की तरह किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, आरोपी प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश को लेकर बातचीत की श्रृंखला को ट्रेस किया गया है आरोपियों के बीच में। और चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि इस मामले में आरोपी नंबर 2 नाम रोना विल्सन और प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो की समिति के सचिव और केंद्रीय समिति के सदस्य आरोपी किशन दा उर्फ प्रशांत बोस और उनके साथ इस संगठन के भूमिगत सदस्य देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का हिस्सा। तो आपको बताते हैं कि भीमा कोरेगांव मामले की चार्जशीट में दरअसल क्या खास बातें हैं। बिल्कुल, और 5000 पन्नों की चार्जशीट है अदिति, अच्छी खासी पूरे डिटेल्स इसमें। और इस चार्जशीट में कंप्यूटर, पेन ड्राइव की फॉरेंसिक रिपोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बरामद चिट्ठियां हैं। राजीव गांधी की तरह, जैसे कि अदिति भी लगातार आपसे कह रही है, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि राजीव गांधी की ही तरह प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश को लेकर दरअसल आरोपियों के बीच कम्युनिकेशन चेन का जिक्र किया गया है। और प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा शुरू की गई भर्तियों की तफसील से इसमें डिटेल्स दी गई है। बिल्कुल, और प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के लिए फंड जुटाने और फंड आवंटित करने के भी डिटेल्स पूरे इस चार्जशीट में देखे जा सकते हैं। प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी और जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों के बीच संबंध की जानकारी के बारे में बताया है। प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के अलग अलग देशों में विदेशी संगठनों के साथ संबंध है, उसे लेकर भी तमाम डिटेल्स हैं इस चार्जशीट में। संगठन पर एक बड़ी साजिश की योजना बनाने का आरोप है और साथ ही बड़ी बात, देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक सुनियोजित योजना बनाने का भी आरोप लगाया गया। चार्जशीट में संगठन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है।